नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। धर्म के इस खास अंक में हम बात करते हैं आपके आने वाले सप्ताह की, आपके आने वाले सप्ताह के हाल की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से आपका सप्ताह कैसा बीतेगा, किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन सी सावधानियों का पालन करेंगे और इस सप्ताह की कौन सी तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, देखिए इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास तौर से धन के मामलों में अगर आप लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। एक तरफ सेहत और दूसरी तरफ पैसा, ये दोनों ही चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं, लापरवाही के परिणाम बुरे हो सकते हैं। परिजनों के साथ, नजदीकी लोगों के साथ आपके भेंट मुलाकात के योग बनते हैं, ऐसा लगता है प्रिय लोगों के साथ आप मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और मन कहीं ना कहीं बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम बनेगा तो कुल मिला जुला के अंत भला तो सब भला, सप्ताह आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। इस सप्ताह की 31 और 2, ये दो तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं तो इन तारीखों में कर सकते हैं। वृष राशि, देखिए इस सप्ताह वर्क प्रेशर बहुत है आपके ऊपर। हालांकि ये वर्क प्रेशर आपके लिए आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा बना भी देगा। इस सप्ताह काम का बोझ आपका जरूर बढ़ा हुआ दिखाई देता है, काफी दौड़ भाग भी दिखाई देती है, लेकिन ये सब चीजें भविष्य के लिए बहुत सुंदर संकेत दे पा रही हैं। आपको लगातार धन लाभ होता रहेगा, धन को लेके कहीं कोई मुश्किल नहीं है, मेहनत करेंगे उसका फायदा भी आपको मिलता रहेगा। किसी मित्र का, किसी दोस्त का सहयोग भी आपके साथ रहेगा और ये आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, बेहद फायदेमंद होगा। ये सप्ताह अच्छा है लेकिन थोड़ी सी दौड़ भाग के साथ। इस सप्ताह की 1 और 3, ये दो तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, किसी इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए, किसी बड़े रास्ते पर चलने के लिए। मिथुन राशि, जेमिनाई, इस सप्ताह आपके घर में, आपके परिवार में किसी मंगल कार्य के योग बनते हैं। कुछ ऐसा होगा जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, खुशियां आएंगी और आप भी खुश हो जाएंगे। सप्ताह आपकी आर्थिक समस्याएं हल होंगी, आपको धन की प्राप्ति होगी अनएक्सपेक्टेड, बिना किसी प्रयास के इस सप्ताह में आप पैसे के मामले में मजबूत बने रहेंगे। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि पैसे तो आपके पास आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन अगर खर्चों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो मुश्किल होगी। साथ ही साथ एक और चीज पर भी कंट्रोल रखिए और वो है आपकी वाणी, आपकी जबान। इस मामले में लापरवाही ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इस सप्ताह की 5 और 6, ये दो तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन दो तारीखों को आप सारे इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। कर्क राशि, कैंसर, देखिए इस सप्ताह कोई बड़ा काम आपका बनता हुआ दिखाई देता है। बहुत दिनों से रुका हुआ कोई काम है, इसको लेके आप परेशान भी हैं, तनावग्रस्त भी हैं। ये सप्ताह आपके लिए खुशियों के संकेत लेकर आ रहा है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप दौड़ भाग करेंगे, मेहनत करेंगे तो फायदा भी होगा ही होगा। नए वाहन का संयोग दिख रहा है, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, छोटी या बड़ी, लेकिन वाहन का सुख मिलता हुआ आपको दिख रहा है। आपका झुकाव ईश्वर की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बहुत शुभ संकेत है, ग्रहों नक्षत्रों की अपनी सीमा है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से वैसे भी बच जाते हैं। इस सप्ताह की 2 तारीख और 4 तारीख आपके लिए विशेष बेहतर होगी, जिसमें आपको कोई शुभ और अच्छे संकेत दिखाई देंगे। सिंह राशि, लियो,
ये सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, लेकिन इतना जरूर है कि आपके घर में चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, चीजें थोड़ी प्लान कर पाएंगे, चीजों को रास्ते पर ला पाएंगे और ये बात काफी हद तक ठीक भी है आपके लिए। आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से आपको फायदा होगा, कोई शुभ सूचना भी सप्ताह में आपका इंतजार कर रही है। हालांकि ये शुभ सूचना सप्ताह के अंत में आपको मिलेगी और ये शुभ सूचना आपके संतान के जीवन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। सप्ताह सामान्य होने के बावजूद भी अच्छा है, इसलिए अगर आपको लगता है घर में कोई मुश्किल है तो उस दिशा में कोशिश करने पे फायदा जरूर होगा। इस सप्ताह की 31 और 1 ये दो तारीखें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। कन्या राशि, वर्गो, इस सप्ताह आपको अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, अपने स्वभाव का ध्यान रखना है। ये दो चीजें आपको कहीं भी मुश्किल में ना डाल दें, इस बात पर जरा सा ध्यान बनाए रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद मत करिए। ठीक है, मुश्किलें होंगी, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, क्रोध आ सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा हर चीज नुकसान करती है, चाहे वो क्रोध ही क्यों ना हो। संतान पक्ष की जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए। आपकी संतान को आपके समय की आपकी आवश्यकता है और उस जिम्मेदारी को न निभाने से भविष्य में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो सावधानी पूर्वक चलाएंगे, क्योंकि इस सप्ताह आप चोट की चपेट में आ सकते हैं और भैया, सर्दियों में चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना जरा ज्यादा ही मुश्किल तलब होता है, मुश्किल जन्य होता है। इस सप्ताह की 4 और 6 तारीखें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। तुला राशि, लिब्रा, देखिए इस सप्ताह आपकी समस्याएं कम होंगी। उसका कारण है, एक तो राहु आपके एक आदर्श भाव में ट्रांजिट करेगा, उसका फायदा मिलेगा, समस्याएं थोड़ी कम कर पाएंगे और आर्थिक रूप से तो एकदम से आपको लगेगा कि आप मुश्किलों से बाहर आने शुरू हो गए हैं, उम्मीद की किरण आपको दिखने लगेगी, आपकी आर्थिक समस्याएं लगातार हल होती जाएंगी। संतान पक्ष की तरफ से भी आपकी चिंताएं कम होंगी, संतान का जीवन, संतान का करियर, संतान की सफलता, ये सब चीजें इस सप्ताह में आपको बहुत अच्छी तरह से महसूस होंगी। लेकिन देखिए, राहु के साथ बृहस्पति भी होंगे ना, इसलिए जल्दबाजी में काम करने से बचेंगे। चीजें ठीक हो रही हैं और यकीनन ठीक होंगी, लेकिन जल्दबाजी में काम करके चीजों को मत बिगाड़ें तो बेहतर है। इस सप्ताह की 3 और 5 ये दो तारीखें विशेष महत्वपूर्ण होंगी और इन तारीखों में अगर आप इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आपको विशेष फायदा भी जरूर होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, इस सप्ताह काम का दबाव आपके ऊपर दिखाई देता है। नजदीकी लोगों से, आसपास के लोगों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जिसका ध्यान रखना है। आपको अहंकार से बचना है, धन की बर्बादी से बचना है और करियर के मामले में जरा भी लापरवाही नहीं करेंगे। साथ ही साथ खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत आपकी सप्ताह थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिख सकती है। इस सप्ताह की 1 और 2 ये दोनों तारीखें आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होंगी। धनुराशि, सेजिटेरियस, इस सप्ताह आपको अपने ऑफिस में सावधानी से कार्य करना है, उसमें जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। उच्चाधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना है और धन के लेन देन में सावधानी रखनी है, उसमें लापरवाही से पैसा आपका डूब सकता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपको ध्यान करना है, पूजा उपासना करनी है ताकि चीजें बेहतर हो पाए। सप्ताह की 5 और 6 ये दो तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, इस सप्ताह आप शांति और आनंद का अनुभव कर पाएंगे, संतान पक्ष आपका बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के मजबूत योग भी दिखाई देते हैं। किसी धर्म स्थान की यात्रा पर आप जा सकेंगे संभवतः और ये यात्रा आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। इस सप्ताह की 1 और 4 ये दो तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। कुंभ राशि, एक्वेरियस, इस सप्ताह अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपका झुकाव ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ होता हुआ दिखता है, जो कि एक बेहतर बात है। अपने पारिवारिक जीवन में और अपने करियर के बीच में संतुलन बनाइए, इसमें तालमेल बैठाने का प्रयास करिए।
किसी उपहार का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और इस सप्ताह की 31 और 5 तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। मीन राशि पाइसस, इस सप्ताह स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। नौकरी में आपको समस्याओं से बचना है और कोई भी डिसीजन, चाहे वो नौकरी का, जीवन का क्यों ना हो, जोश में आके, क्रोध में आके कोई निर्णय नहीं लेंगे। धन के सेविंग्स पर ध्यान दीजिए वरना पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। इस सप्ताह की 2 और 6 तारीखें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको राशियों का हाल बताया था, अब जान लीजिए क्या है इस सप्ताह की खास बात। षट तिला एकादशी होगी। इस दिन आपको तिल का दान करना है और तिल का सेवन भी करना है। ऐसा करने से आने वाली तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी और आपको अच्छी सेहत का अनुभव भी जरूर होगा। तो इस सप्ताह में षट तिला एकादशी का आनंद लीजिए और सप्ताह को बेहतर बनाइए। आज के लिए धर्म के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें आज तक पर। नमस्कार।